अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ गोल्ड के नाल से शेयर करता हूँ, उससे पहले ये एक वीडियो देखें। ये इसका ऊपर वाला एरिया सेलिंग के लिए, ठीक है ना। अब 1800 बहुत 1830 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, जो कि मार्केट ने रात को ब्रेक किया और उसके बाद डाउन साइड पर ही मूव कर रही है, ठीक है ना। अब जब तक 1830 से ऊपर जो है मार्केट नहीं जाएगी ना, मार्केट ने नीचे ही आना है, नीचे 1800 की तरफ, और 1790 भी हिट कर सकती है मार्केट, ठीक है। नीचे के ये टारगेट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर दिए, उसके लिए अगर चैनल का ब्रेकआउट भी कर। अच्छा, तो कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ ये लेवल शेयर किया था, ये वीडियो में भी आपने देखा है, ठीक है ना। ये लेवल शेयर किया था यहाँ तक, ठीक है। देखिए, मार्केट फर्स्ट टाइम इसको एंटर हुई इस लेवल में, ठीक है। यहाँ तक मार्केट ने क्या क्या डाउन साइड पर मूव दिया, ये 100+ पिप का मूव बनता है, ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर गई, अगेन डाउन साइड पर, ठीक है, मूव मिला, ठीक है ना। अब ये जो मूव था, ये भी 100+ पिप्स का मूव था। अब देखिए, एक लेवल जो मैंने आपको कल शेयर किया, उसने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा आपको प्रॉफिट दिया। जिसने इस चीज़ को फॉलो किया था, उसने तो इस चीज़ से अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। और जिसने मेरी वीडियो देख के इग्नोर किया होगा, उसको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा, और उसको फ़ायदा भी इस चीज़ से कुछ भी नहीं हुआ होगा। इसीलिए आप लोगों का कहता हूँ कि वीडियो पूरी वॉच किया करें, जो भी लेवल शेयर किया जाता है वो एक अच्छा लेवल आपके साथ शेयर किया जाता है ना। अब आज का सिनेरियो ये है गोल्ड का, ठीक है। ये आपको चैनल भी लगा के बताया हुआ था कल मैंने कि इसका ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा। ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गई, अगेन वहाँ से डाउन साइड पे 2 दफ़ा आई, ठीक है ना। अब मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में भी जो है ना 28 और 32 सेलिंग बताई हुई थी, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हम लोगों ने प्रॉफिट किया, ठीक है। उसके अलावा जो है कि आप लोगों के साथ यूट्यूब पे भी लेवल शेयर किए हुए थे, इसलिए मैं कहता होता हूँ कि YouTube पे वीडियो पूरी देखा करें। पूरी देखेंगे तो इसमें आपके फ़ायदे के लिए बहुत सी चीज़ें होंगी, नहीं देखेंगे तो एट द एंड जो है ना आपने लॉस ही करना है, क्योंकि आपको लेवल्स का आइडिया नहीं होगा, कौन सा लेवल अच्छा है, कौन सा मैं चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता, ठीक है ना। अभी जो करंट सिनेरियो है गोल्ड में, उसमें देखा जाए तो, एक सेकेंड। अच्छा, गोल्ड जो है कि M30 में इसको देखते हैं, M15 में देखते हैं। आज के लिए जो लेवल्स हैं ना, वो शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ। बाकी ये है कि जो भी ट्रेड करे, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया करे, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जस्ट मैं आप लोगों के साथ लेवल शेयर करता हूँ, मैं किसी को ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा कि यार कि यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ से एंट्री लो, ठीक है ना। मैं जस्ट आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि आज गोल्ड का, अभी देखें गोल्ड स्टिल यहाँ से बेरिश है, ठीक है ना। ये अभी देखो नीचे आ रहे हैं। अब इसको ट्रेंड लाइन आप मार्क करेंगे तो वो भी इसी तरह से बन जाएगी, ठीक है। मार्क भी कर लेते हैं ट्रेंड लाइन, इसको ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेते हैं लाइन चार्ट पे करके, ठीक है ना। लाइन चार्ट पे करके ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेते हैं। अब देखें, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है तो नीचे है तो मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है ना। अभी का जो करंट सिनेरियो है, कल भी मैंने आपको नीचे के टारगेट्स भी बताए थे, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी आपने वो टारगेट्स देखे होंगे, ठीक है ना। अभी फिर से बता देता हूँ आपको, नीचे के जो टारगेट्स हैं, 1806 से 1800, ये वाला जो एरिया है ना, इसको मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। इस एरिया में आपको मिले तो प्रैक्टिस के साथ, मतलब कि कंफर्मेशन के साथ जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। विदाउट कंफर्मेशन किसी ने भी बाइंग नहीं करनी इस लेवल पे, ठीक है ना। और उसके बाद एक लेवल ये है, अब ये लेवल बनता है, इसको भी मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, प्रॉपर उसके साथ। ये लो, अब एक लेवल ये, ठीक है। ये 2 लेवल है नीचे बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए। जब तक ये बाइंग यहाँ से है, ठीक है, इसकी ये चीज़, अब यहाँ इन 2 लेवल से आपको ये बाइंग मिल सकती है, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन ले के विदाउट अंधेधुंध जो है ना, वो इस मार्केट में नहीं कूद जाना आपने, जब ये नीचे गिर रहा हो तो, क्योंकि ट्रेंड सेल का है, मोमेंटम सेल का है, सब कुछ, ठीक है ना। तो बाय करेंगे तो फिर आप जो है ना बहुत बुरा फंस जाएंगे, ठीक है। लेकिन लेवल के ऊपर मिले तो जो है कि आप इसको वो कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं कन्फर्मेशन के साथ। और अब इस लाइन की ज़रूरत कोई नहीं हमें, ठीक है, इस लेवल की भी ज़रूरत कोई नहीं है, इसको भी उठा देते हैं, ठीक है, बस इतना सा कर देते हैं। ऊपर का लेवल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है, कि जहाँ से आपको अगेन अच्छी सेलिंग मिल सकती है। अभी इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इसके बीच में जो है वो वेट होगा, ठीक है ना। अब एक लेवल है इसका ये, है। ये
ये जो एरिया है ना 1850 1845, ये 5 पॉइंट्स का जो एरिया है ना, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर मज़ीद ऊपर भी जाती है ना मार्केट, तो फिर इन पॉइंट से जो है वो आपको इसकी सेलिंग मिलेगी। बाकी मार्केट है मुश्किल, मुझे यहाँ तक जाता हुआ लग रहा है, लेकिन अगर लेवल टूटे तो फिर इसके पास यही लेवल है, क्योंकि कोई रिट्रेसमेंट नहीं की ना इसने ना, तो इस वजह से। उसके अलावा अभी अभी इस टाइम के लिए ना जस्ट वेट है, ठीक है, क्योंकि मार्केट स्टिल अब देखें घूम रही है इसी रेंज में। मैं आपको इस तरह भी दिखा देता हूँ, ये देखें मार्केट जो है ना स्टिल, अब जब से इस बॉक्स को देखें आप, कोई भी कैंडल मार्केट ने इस बॉक्स से बाहर क्लोज नहीं किया, ना अप साइड पे ना नीचे की साइड पे, ठीक है ना। अब जब तक कैंडल क्लोज नहीं की, कैंडल किसी साइड पे क्लोज करे, ब्रेकआउट दे, ठीक है, देन तब जो है ना वो उस साइड पे नेक्स्ट मूव करेगी। वैसे अभी जो इसके चांसेस हैं वो नीचे के ही हैं, ये ट्रेंड लाइन भी मार करके बताई हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर तो एक सिनेरियो ये भी बन सकता है मार्केट में, ठीक है ना, अब ये जहाँ पे जो है लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है मार्केट, ठीक है, इन जगह पे, ठीक है, यहाँ से एक स्पाइक ऐसे लगाए और फिर वापस नीचे आ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ से एक स्पाइक नीचे की तरफ लगाए, शार्प मूव, और अगेन वापस स्पीड के साथ अगेन ऊपर आ जाए, ठीक है। कैंडल बाइज नहीं क्लोज करनी चाहिए M30 की, तो ये फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, ऊपर इस लेवल तक, इस लेवल तक ये फिर जा सकता है। और अगर सेम यही हरकत करता है ऐसे, मीन्स के ऊपर लगाए स्पीड के साथ एक, अगेन वापस डाउन आ जाए, तो ये 1806 और 1800 मिनिमम ये वहाँ तक नीचे जा सकता है। ये दो लेवल अभी भी देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मार्क करके दिया उसका टेस्ट करके, ये अभी फिर गिर रहा है नीचे की तरफ। चलें ठीक है, काइंडली जो है ना वो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर जो है कि लाइव आपके साथ वो स्क्रीन शेयर किया करूँगा इंशाल्लाह। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिसने प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है। थैंक्स।